हे गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य लक्ष्मी सीरियल के 20 अप्रैल के 553 एपिसोड के अपडेट के बारे में। आज हमें देखने मिलता है एपिसोड के स्टार्टिंग में पंडित जी नीलम से बात कर रहे होते हैं। पंडित जी नीलम को बताते हैं कि लक्ष्मी की कुंडली ढाल बनी हुई थी ऋषि की, यही तो निवारण था ऋषि के संकट का। और ऋषि के जीवन में अनेक संकट आए जो कि मैंने देखे हैं, पर बाल बांका नहीं हो पाए। पर ग्रह अब बदल चुके हैं, सब कुछ उल्टा हो गया है। ऋषि के कुंडली का दोष लक्ष्मी के कारण हटा था। आगे पंडित जी बताते हैं लक्ष्मी की शक्तिशाली कुंडली का असर अब कम हो गया है, क्योंकि वो ऋषि के कुंडली के खतरे को बचाने में लग गई थी। और अब जो संकट ऋषि पर था वो लक्ष्मी पर आ चुका है। अब जान का खतरा लक्ष्मी पर है, उसके जीवन पर संकट है। अभी नीलम कहती है, पंडित जी ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा। आगे हमें देखने मिलता है ऋषि ये बात सुन रहा होता है। कुछ टाइम बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि ऋषि ने कोई भी बात नहीं सुनी होती है। जाते जाते पंडित जी नीलम के हाथों में एक पर्ची देकर जाते हैं, जिसमें कुछ तारीखें होती है जिनके ऊपर लक्ष्मी के ऊपर खतरे हो सकते हैं। तारीख होती है 12 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च और 25 मार्च और आखिरी की 29 मार्च। इन 5 तारीखों में लक्ष्मी के ऊपर खतरे हो सकते हैं। और स्टोरी के हिसाब से उस दिन 12 मार्च चल रहा है, यानी कि उस एपिसोड के उस दिन में लक्ष्मी के ऊपर खतरा है। आगे हमें देखने मिलता है लक्ष्मी को किसी कारण के वजह से मीटिंग के लिए उसे बाहर जाना पड़ रहा है। क्या लगता है दोस्तों, ऋषि ने सभी बातें सुनी होंगी? क्या वो सुनने का दिखावा या नाटक कर रहा है कि उसने नहीं सुनी है बातें? देखना बहुत मजेदार होगा। सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस को, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह भाग्य लक्ष्मी सीरियल से जुड़े हुए अपडेट्स लाते रहते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करना मत भूले। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या लगता है, हम आपके थॉट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।